तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान कल्ला ने शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के अलावा अग्निपथ को लेकर हुए धरने में भी वो शामिल हुए। इंडिया न्यूज राजस्थान से खास बातचीत की और कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ धोखा है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इसके साथ ही शिक्षा नीति पर ट्रांसफर जल्दी ही किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीकानेर दौरे पर है, आज विभिन्न कार्यक्रम हिस्सा लिया और आइए हम बात करते हैं किस केंद्र सरकार जो अग्निपथ की योजना का जो है विरोध चल रहा है उसको लेकर क्या मानते हो? अग्निपथ जो सैनिक भर्ती की जा रही है वो 4 साल के लिए की जा रही है, जबकि सेना में अब तक भर्ती हमेशा पूर्ण काल के लिए की जाती थी। ऐसी स्थिति में वायु सैनिक, थल सैनिक और जल सैनिक, इन तीनों सेनाओं में 4-4 वर्ष के लिए जो ये युवकों की भर्ती करने जा रहे हैं, उस 4 वर्ष के बाद वे क्या करेंगे, पूरे जीवन में वे बेरोजगार रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ इसी सरकार में बैठे हुए लोग कहते थे वन बेंच है, अब उनको कोई सेवा काल के बेनिफिट्स वगैरह पूरे नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद में बेरोजगारों की फौज में खड़े हो जाएंगे। हमारा ये सोच है कि आजकल युद्ध में हर साल नई तकनीक आ जाती है और नई तकनीक आने के कारण से अधुनातन जानकारी सैनिकों को रहनी चाहिए। तो जो सैनिक भर्ती किए हुए हैं उनको आप अधुनातन जानकारी देते रहेंगे तो प्रशिक्षित होते रहेंगे और सेना भी मजबूत होगी, लोग भी मजबूत रहेंगे, वरना नौजवान जो है तैयारी करने में लाखों रुपये खर्च कर देता है प्रशिक्षण में इनमें, और उसके बाद 4 साल बाद उनको घर बैठ दो, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, न अन्य देशों में, किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती बनी। सैनिकों की भर्ती स्थायी होनी चाहिए ताकि एक मजबूत सेना देश की रक्षा कर सके। 4 सालों की सैनिक भर्ती हो, कहीं देश के लिए हितकार नहीं हो, कहीं गुप्त एजेंसियां भी जो है सक्रिय होकर काम करें तो देश को नुकसान हो सकता है क्या? 4 साल मान दूसरे जो है ना गुप्त जो है लोग बाहर अपनी सेना की जो है रिपोर्ट बाहर चली जाए। देखिए, इस संबंध में आप सब जानते हैं कि सेना स्थायी होनी चाहिए और स्थायी सेना होती है तो उनको अधुनातन जानकारी मिलती रहती है। जो नए सैनिक फिर 4 साल बाद भर्ती होंगे उनको नए सिरे से सिखाओ। इस बीच में हमारे बॉर्डर पे तो आप एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ आपके लंका है, एक तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान है और अलग अलग देश हैं, वो सब एक है। हमारा मुल्क कई बार अकेला खड़ा मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में सेना का स्थायित्व और मजबूती।